गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज निशा शर्मा, वी आर मैथ्स टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 14। इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इन आर प्रीवियस वीडियोस। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पेरीमीटर ऑफ द एरिया, पेरीमीटर ऑफ अ शेप एंड एरिया। ठीक है, एरिया और पेरीमीटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे किस तरीके से निकालते हैं। सो टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज 14। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। दिस वी नो सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमें ऐड करना है सारी साइड्स को। 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 7, ये 7 है, प्लस 10 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 7। ओके, सो स्टार्ट दिस ए सम ऑफ ऑल साइड्स। 7 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले बताया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आपके पेरीमीटर में जो यूनिट होती है इसकी वो सिंपल होती है, सेंटीमीटर होती है, और एरिया की जो यूनिट लगाते हैं अपन वो स्क्वायर की फॉर्म में होती है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। अब इसमें भी हम सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे। 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 दैट मीन्स इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर आंसर। और जो आपकी ये थर्ड शेप है सी, इसे आप खुद से करेंगे। ठीक है, 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, अब ये सारी साइड्स इक्वल हैं तो हम और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म से भी कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, ओके, देन आंसर विल बी 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग रेक्टेंगल शेप्स। अब रेक्टेंगल शेप्स के हमें वो निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस विड्थ। ओके, सो फर्स्ट लेंथ हमें दी हुई है 30 एंड ब्रेथ दे रखी है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालेंगे इस तरीके से, लेंथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 48 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस विड्थ। 30 प्लस 48 ऐड हो जाएगा एंड इनको ऐड करने पर क्या आएगा, 78, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से लास्ट में। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, 156 सेंटीमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है, ब्रेथ हमें 34 सेंटीमीटर दी हुई है, दैट मीन्स 20 प्लस 34 और उस टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, इस तरीके से लेंथ प्लस ब्रेथ 20 प्लस 34 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हमें ऐड किया, 0 प्लस 4 4, 3 प्लस 2 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 54 इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर। सी क्वेश्चन, लेंथ इतनी रखी, ब्रेथ इतनी रखी, दोनों को ऐड किया 80 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 160 हो गया। ठीक है, अब जो डी है वो आप खुद से करेंगे, 30 एंड 12। ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन रेगुलर शेप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला के थ्रू हमें अभी इनका वो निकालना है। ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, वी हैव नो सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, 14 है 14 है 14 है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, या तो अपन करेंगे 14 प्लस 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, या फिर हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म से करेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 14, 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 4 साइड्स हो गई, 4 साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 4 या फिर हम सबको ऐड कर देंगे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे एडिशन वाली फॉर्म लिखी हुई है, आप मल्टीप्लीकेशन वाली फॉर्म भी कर सकते हो। अब यहाँ पे 6 साइड हो गई। ठीक है, हेक्सागोन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 और 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 दैट मीन्स 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डी 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, पेंटागॉन है तो 5 साइड्स हो गई और 9 सेंटीमीटर को 5 टाइम्स हमें ऐड करना है, या 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो 9 को, 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 आंसर आ जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विजय हैज ड्रॉन रेक्टेंगल ऑन द ग्राफ, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया।
अब इसका हमें पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या दिख रहा है हमें, 5 सेंटीमीटर, ये होती है हमारी लेंथ, ठीक है, और ये होती है हमारी ब्रेथ। तो लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई 3 सेंटीमीटर। तो आंसर किस तरीके से पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल शेप इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 5 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स 16 सेंटीमीटर। नाउ वी नो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हमारा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ हमारा क्या होता है एरिया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, रिमेम्बर कि हम एरिया जब भी निकालते हैं तो हमारी यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। आप अगर स्क्वायर नहीं लिखते हो तो ये आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं इसको हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड हुज लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 30 सेंटीमीटर। तो वी नो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप इज लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 30, 750 मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल शेप टॉवल हैज अ लेंथ ऑफ 125 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ 60 सेंटीमीटर। अब एक टॉवल है जिसकी लेंथ क्या है 125 और ब्रेथ क्या है 60, देन फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ टॉवल। अब पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 125 + 60, ब्रेथ हो गई 60, और उसको ऐड करके 185 आया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, दैट मीन्स 370 इज द आंसर। नेक्स्ट, अ फेंसिंग हैज टू बी डन आउटसाइड द सिंगल स्क्वायर शेप फील्ड। अब एक स्क्वायर फील्ड एक शेप है आपकी इस तरीके से कुछ, ठीक है, और उसकी आपको क्या निकालना है, उसकी बाउंड्री करनी है, ठीक है, फेंसिंग करनी है आपको उसकी इस तरीके से, वायर से उसकी फेंसिंग करनी है। सो और उसका पेरीमीटर निकालना है हमें। ओके, सो साइड ऑफ द फील्ड हमें नहीं भी दिया हुआ है, एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। सो यहां पर हमें क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द वायर क्या दे रखी है, 260 मीटर, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर तो हमें दिया हुआ है 260 मीटर, और हमें निकालना है उसकी वन साइड निकालनी है। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, उसकी 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर की, 4 + 4 + 4 + 4, अगर उसकी 4 सेंटीमीटर उसकी एक साइड की वो है लेंथ, ठीक है। तो पेरीमीटर किस तरीके से निकालते हैं, टोटल जो नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाइड बाय मेजरमेंट ऑफ साइड, ठीक है, दैट मीन्स साइड। तो अब यहां से हमें साइड निकालना है, तो ठीक है, साइड कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो यही है और ये 4 इससे डिवाइड करेंगे, तो ये साइड की फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि स्क्वायर की कितनी साइड होती है 4, सो साइड क्या हो जाएगी 260, पेरीमीटर था हमारा और 4 को मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया, देन आंसर विल बी 65 मीटर। ओके, तो ये हमारी साइड है, तो 65 मीटर इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेंथ ऑफ अ रूम इज 8 मीटर। अगर एक रूम की लेंथ इतनी है, ब्रेथ ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रूम, अगर उस फ्लोर की लेंथ तो इतना है, उसके फ्लोर का ब्रेथ कितनी है 7 मीटर, अ कार्पेट इज लेट डाउन ऑन द फ्लोर विच कवर ऑल फ्लोर्स, सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कार्पेट। अब हमें कार्पेट का एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया वी नो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ एरिया होता है रेक्टेंगल फील्ड का, दैट मीन्स लेंथ हो गई 8 मीटर एंड ब्रेथ हो गई 7 मीटर, तो 8 × 7 = 56 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप, ठीक है, अब स्क्वायर शेप का पेरीमीटर निकालना है, स्टोन हुज साइड इज 60 सेंटीमीटर, जिसकी साइड दे रखी है हमें 60 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड हो गई 60, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स 240 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2 राउंड्स ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड दे वॉक्स 40 मीटर। अब किसी स्क्वायर शेप फील्ड के 2 राउंड्स लगाने में वो कितना वॉक कर रहा है, 40 मीटर, देन पेरीमीटर ऑफ दिस फील्ड,
तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तो देखो, पेरीमीटर बेसिकली होता क्या है, इसका एक राउंड उसका पेरीमीटर कहलाएगा, ठीक है, और वो टू राउंड लगा रहा है, ठीक है, टू राउंड में तो 40 आ रहा है, तो एक राउंड में कितना आ जाएगा अपना, हाफ, ठीक है, देन वन राउंड इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, देन पेरीमीटर किस तरीके से निकाल देंगे अब इसका, अब हमें फोर जो अपना वो है पेरीमीटर जो है 20 मीटर, इसका वन राउंड हो गया, दैट मीन्स पेरीमीटर तो हो गया इसका, दैट मीन्स हमारी पेरीमीटर तो आ गया 20 मीटर। अब हमें साइड निकालनी है इसकी, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसकी एक साइड कितने मीटर की है, ठीक है, तो वो किस तरीके से निकालेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 × साइड होता है, तो साइड निकालेंगे, तो साइड का फॉर्मूला हो गया साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। पेरीमीटर हमारा 20 आया था, 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट मीन्स 5, 4 5 इज 20, 5 इज द आंसर, तो उसकी साइड हो गई हमारी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक रेक्टेंगल फील्ड का हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, पेरीमीटर निकालना है एक रेक्टेंगल फील्ड का जिसकी लेंथ जो है वो है आपके 2.5 मीटर एंड ब्रेथ जो है वो 3.5 मीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया भी निकालना है पेरीमीटर भी निकालना है, तो एरिया निकालते हैं पहले, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, दैट मीन्स 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, 8.75 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया की यूनिट स्क्वायर में हो गई, पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2.5 प्लस 3.5, ये हो गया 6, 12 मीटर, पेरीमीटर की सिंपल यूनिट होती है 12 मीटर इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। अब हमें साइड निकालनी है कि स्क्वायर फील्ड की हुज एरिया दे रखा है 81 मीटर। अब जिसका एरिया दे रखा है तो उसकी हम साइड कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ठीक है, वी नो कि एरिया कैसे निकालते हैं हम, साइड का साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड करते हैं, ठीक है, साइड को 2 times मल्टीप्लाई किया आपस में, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर होता है 2 times उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अगर ये 3 होता तो 3 times मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो 2 times उसको मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स अगर हम यहां से साइड निकालेंगे तो ये एरिया पर अंडर रूट बन जाएगा इसका, ठीक है, यानी कि इसका अंडर रूट निकालेंगे तब वो हमारा एरिया का अंडर रूट जो निकलेगा वो हमारा क्या होगा, उसकी साइड होगी, दैट मीन्स एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, एरिया हो गया 81, साइड स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, दैट मीन्स साइड इज इक्वल टू 81 का अंडर रूट, साइड, अब अंडर रूट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट बेसिकली अंडर रूट होता क्या है, 2 × 2 इक्वल टू 4 हो गया, दैट मीन्स अगर 4 का अंडर रूट अपन निकालते हैं तो हमारा आंसर होगा 2, ठीक है, 3 का 9 का अंडर रूट जो होगा वो क्या होगा, 3, कैसे आया, 3 × 3, 16 का अंडर रूट क्या होगा, 4, इस तरीके से निकलता है ये, ठीक है, तो बाकी मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले बेसिकली ये होता है, तो 81 9 × 9 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 81, सो 9 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। अब स्क्वायर फील्ड का एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है, तो अपन को अगर साइड दी हुई है 1.5 मीटर, दैट मीन्स 1.5 × 1.5, अब यहाँ पे 2 है तो 2 times मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एरिया इज इक्वल टू 2.25 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इफ रमेश कंप्लीट इट्स 2 rounds आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर, ठीक है, अगर अब यहाँ पे पहले उसको 2 rounds स्क्वायर फील्ड, अगर 2 rounds वो कर रहा है तो कितने में कर रहा है, 60 मीटर में, 1 round का कितना हो गया, इसका हाफ हो जाएगा 1 round 30 मीटर, यानी ये इसकी पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर हो गया आपका 30 मीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 4 × साइड, तो साइड निकालना है तो साइड हो जाएगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, 30 × 4 दैट मीन 7.5 मीटर इसकी साइड हो गई। एरिया कैसे निकालेंगे, 7.5 × 7.5 इज इक्वल टू 56.25 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास, इन आर नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइज 15 होल्डिंग कैपेसिटी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।